अपराध चरम पर है, लेकिन कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका दिल पसीज जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बाप ऐसी दरिंदगी को अंजाम दे सकता है। इस बार किसी बेटी या माँ को मौत के घाट नहीं उतारा गया, बल्कि एक मासूम बेटा अपने पिता के गुस्से का शिकार हो गया। इस घटना के बाद से ही हर किसी के जहन में बस एक ही बात बार बार आ रही है कि आखिर कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है। दरअसल यूपी के कानपुर में एक पिता की दरिंदगी ने लोगों को दहला कर रख दिया है। घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के हथेरुआ गांव की है। यहां एक बाप ने अपनी पत्नी और दो बेटियों के सामने ही अपने एक लौते बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये एक संतराम प्रजापति नाम का व्यक्ति है जो ग्राम छानी हमीरपुर जनपद में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। ये यहाँ लक्की खुर्द एक जगह है घाटमपुर में, जहाँ मजदूरी के लिए आया हुआ था भट्टे पर। 15 तारीख की बात है, ये इसके बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब कर दिया। सिर्फ इसी बात को लेकर कि क्रोध में और आवेश में अपने बच्चे को पहले मारा पीटा और बाद में उसकी हत्या कर दी, तथा शव को लेकर के अपने गांव छानी चला गया, अपनी पत्नी बच्चों को भी ले गया। बाद में इसकी पत्नी ने अपने भाई को बताया और वहां से सूचना हमीरपुर के माध्यम से थाना घाटमपुर को दी गई। इस आधार पर थाना प्रभारी ने वहां जाकर के उसको अरेस्टिंग करी उसके पति की। उसने अपना जन्म स्वीकार किया, इसमें अब 302 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया घाटमपुर थाने पर। मुलजिम जेल गया है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि नींद में मासूम बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया था, जिसकी वजह से पिता इतना नाराज हो गया कि उसने अपने इकलौते बेटे की हत्या ही कर दी। इस दौरान मां ने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपी संतराम का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अपने 5 साल के मासूम बेटे को तब तक पीटता रहा जब तक बच्चे की चीख निकलना बंद नहीं हो गई। वहीं पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।